पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट वीडियो इज नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस इज देयर. ओके, सो व्हेनेवर द वर्ड अलजेब्रा कम्स, इट मींस दैट अलजेब्रा मींस इट इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, दीज थ्री थिंग्स, एंड समटाइम्स डिविजन इज ऑल्सो इज देयर. सो दिस वर्ड अलजेब्रा मींस वी हैव टू एड द टू मैट्रिसेस, we have to subtract the matrices, we have to multiply the two matrices. Division is not possible in matrices. Matrix mein division possible nahi hai. Hum do matrix ka addition le sakte hain, do matrix ka subtraction kar sakte hain, do matrix ka multiplication le sakte hain, magar do matrix ka division possible nahi hai matrices mein. Okay, magar jab bhi word algebra aayega to algebra yani isme ye teen char cheeze hona chahiye, addition, subtraction, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, दिस फोर थिंग्स कम अंडर द वर्ड अलजेब्रा इज देयर. तो यहाँ पर हम जो देखेंगे मैट्रिक्स के अलजेब्रा में, यहाँ पे सिर्फ तीन ही है कि हम दो मैट्रिक्स का एडिशन ले सकते हैं, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, दिस वन. तो सबसे पहले ब्रीड हम देखेंगे इसमें कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है. फर्स्ट बिट दैट यू सी इन केस ऑफ दैट इज द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट बिट, वेरी फर्स्ट बिट हियर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस के दो चीजें, दो मैट्रिसेस एक दूसरे को इक्वल है ऐसा कब बोलेंगे. सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, पहली कंडीशन, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जी, ये मैट्रिक्स इक्वल कब है, जब a इज इक्वल टू aij, ये तब तक कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना, सबको मालूम है. दिस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द कॉम्पैक्ट फॉर्म. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m बाय n, एंड अनदर मैट्रिक्स वी हैव टेकन हियर b इज इक्वल टू, अदर मैट्रिक्स इज अ bij ऑफ सेम ऑर्डर m बाय n इज देयर. तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब है, जब इनके एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे, अंदर के एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट भी सेम रहेंगे और इनका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम. जैसे कि यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, m by n, a का, और b का भी ऑर्डर क्या है, m by n. सबसे पहली कंडीशन, इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए. और दूसरी कंडीशन, इनके एलिमेंट्स क्या रहना चाहिए, जो अंदर एलिमेंट्स है, a i j is equal to b i j, मतलब जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट क्या में रहना चाहिए, b में रहना चाहिए. तो ये दो कंडीशन है, अपन क्या बोलेंगे, टू मैट्रिसेस आर said to be equal if, पहली condition, if they have same order, or if they have a same order. Second condition is that the elements are, the corresponding elements of both the matrices are equal one. ठीक है, जिसकी example, जैसे कि for example हम तीन matrix consider करेंगे, उसको जो पहली example a is equal to 2 minus 1 3 2 minus 1 3 3 4 5, it is the first one. Now we take the second matrix is B is equal to something like to be here. B is nothing but 2 minus 1 3 2 minus 1 3, again 3 4 5 is there. And we consider the third matrix C is equal to what happens over here, 2 minus 1 3, and here 3 5 4 is there. So first we have seen which matrices are equal. So yahan pe sabse pehle A aur B ko dekhenge. So sabse pehle A ka order bolo. What is the order of matrix A? There is a one row, there is a second row, this is the first column, second order is nothing but 2 by 3 is there. Okay. As there are two rows and three columns are present, order is nothing but 2 by 3 is there. Okay. Now, then afterwards, second one. What is the order of the matrix? It is again 2 by 3 is there. Hai na? Isme bhi kitna order hai iska? 2 by 3. Because there are two rows and three columns are present, so order is nothing but 2 by 3. इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 by 3. ठीक है, आप सबसे पहले बोलो, आप देखो तो तीनों की भी कंडीशन सेम है, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 by 3 2 by 3 2 by 3. मगर आप एक चीज देखेंगे अपन, तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी को देखो, तो ए के एलिमेंट देखो 2 minus 1 3 3 4 5 2 minus 1 3 3 4 5, सो वी कैन से दैट हियर ए इज इक्वल टू बी हियर. ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है. व्हाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे satisfy both the conditions, दोनों भी conditions satisfy है. दोनों भी मतलब क्या, कि ये दोनों matrix का एक तो सबसे पहले order क्या है, equal है. Order of both the matrices are equal one, and then elements are, corresponding elements are also equal. So you can say that these two matrices are equal one. A is equal to B is there.
सबसे पहली कंडीशन क्या था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, और उनके एलिमेंट भी क्या है, सेम है, इसलिए हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, दिस टू मैट्रिक्स के साथ इक्वल हो। उसी प्रकार से आप देखो बी और सी को देखेंगे तो सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 by 3, 2 by 3। अब इनके अगर से एलिमेंट देखेंगे तो देखो 2 - 1, 3, 3, 4, 5, 2 - 1, 3, 3, 5, 4 उल्टा हो गया यहाँ पर, तो इनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसकी वजह से अपन यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, इनका ऑर्डर सेम है मगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता, ऑर्डर सेम रहना चाहिए और एलिमेंट्स भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो तब वो दो मैट्रिक्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी में वैसा था, बी और सी में नहीं है, उसी प्रकार से ए और सी में देखेंगे हम तो ऑर्डर भले ही सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है मगर दूसरी कंडीशन है क्या, नहीं। सो वी कैन से दैट हियर अगेन, हियर ए इज नॉट इक्वल टू सी इज देयर, सो ओनली कंडीशन इज दैट व्हिच मैट्रिसेस आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। ये एग्जांपल में सिर्फ ए इज इक्वल टू बी है, बी इज नॉट इक्वल टू सी है और ए इज नॉट इक्वल टू सी है। तो ये पहला बिट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिसेस एक दूसरे को इक्वल है, कब, पहली कंडीशन जब उनका क्या रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पर इसका 2 तो इसका भी 2, ये -1 तो ये भी -1, ये 3 तो ये भी 3, ये 3 अगेन 3, इट इज 4, इट इज 4, इट इज 5, इट इज 5। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए और ऑर्डर भी क्या रहना चाहिए, सेम। तो समय इससे क्या बोलेंगे यहाँ पर, दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरल फॉर्म में कौन सा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेफिनेशन समझी, एग्जांपल में तो समझ में आ गया होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म हमेशा कॉम्पैक्ट फॉर्म याद रखना। देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या, कि कोई एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एआई जे ऑफ ऑर्डर एन बाय एन है, और एक कोई मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे थोड़ा डिफरेंटली ऑफ ऑर्डर एन बाय एन। ये दो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी कब बोलेंगे, जब इनके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू क्या रहेंगे, बी आई जे, और दूसरा क्या ऑर्डर क्या रहेंगे उनका। तो ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेफिनेशन, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में याद रखना जरूरी है, इट इज सिंपल वन। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट, सो वी हैव टेकन द नेक्स्ट टाइप, सो आवर नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज देयर। तो ये बहुत सिंपल वीडियो है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे सिंपल क्या है बोले मेरे इसमें, कि अगर से दो मैट्रिक्स रहेंगे और दो मैट्रिक्स का एडिशन अगर से करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम उसकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर से ऑर्डर डिफरेंट रहा तो वी कैनॉट एड द टू गिवन मैट्रिक्स हियर। फॉर एग्जाम्पल देखिए बताएंगे इसके अपन, देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 - 3, 1, 4, 5, 3 इज देयर, और एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, -1, 2, 3 इज देयर। ठीक है, तो अब ये दोनों के एडिशन लेने का है, तो एडिशन करने से पहले हम इनका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर सेम है क्या, यस, इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 3 इज देयर, बराबर है, इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने रोज है यहाँ पे, एक रो और दो रो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना मिलेगा, 2 by 3 इज देयर। ओके, सो वी कैन से दैट हियर एंड ऑर्डर सेम होने की वजह से हम बोलेंगे इसका एडिशन क्या है, पॉसिबल है, एडिशन एग्जिस्ट होगा, मतलब एडिशन अपन ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों की एडिशन, तो एक ही जगह पे 2 - 3, 1, 4, 5, 3 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स जो का आइडिया 3, 4, 5, 3, 4, 5, then -1, 2, 3 is there. So we have to add these two matrices here. Very simple one. Addition is very simple. So addition कैसे करेंगे? Order इसलिए same होना कि हर एक element corresponding element में add होगा. मतलब कैसा? इसका a11 की addition इसके a11 के साथ. मतलब ऐसा 2 plus 3. ठीक है? उसके बाद
इसका क्या पोजीशन है, A12 के एडिशन A12 के साथ -3 + 4। उसके बाद यहाँ पे इसका A13 मतलब 1 और इसका A13 मतलब कितना +5 से, इसके एडिशन 1 + 5 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के एडिशन, इसलिए दोनों का ऑर्डर सेम होना। अगर समझो इसका ऑर्डर सेम नहीं लिया समझो अपने, फॉर एग्जांपल मैंने बी मैट्रिक्स इतनी ले लिया समझो दिस वन, तो अब इसके अगर से अपन A2 by 2 का मैट्रिक्स, इसके अगर से अपन एडिशन करें तो पॉसिबल है क्या? नहीं, इसके एडिशन इसके साथ, इसके एडिशन इसके साथ, ये हो जाएगा खाली, ये रिकामा रह जाएगा, इसको कोई ऐड करने के लिए नहीं है। इसलिए एडिशन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की क्या होती है, एडिशन होती है। इसलिए यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या होना, सेम, ऑर्डर सेम है तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर था उसका, क्या था इसका, 5 3 और ऑर्डर इज द सेम, तो ऐड करेंगे। अब सेम यहाँ पे 4, ये 4 मगर ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना मिला है, -1 इज देयर, राइट, 4 बीच में प्लस है मगर प्लस माइनस -1 इज देयर। दूसरा 5 5 + 2 5 + 2। तीसरा 3 + 3 3 + 3 इज देयर। सो व्हाट हैपेंस नाउ, इट इज नथिंग बट व्हाट इज द एडिशन हियर, 5 देयर आफ्टर वन 4 में से 3 गया 1, इट इज नथिंग बट 6, इट इज नथिंग बट 3, इट इज नथिंग बट 7, इट इज नथिंग बट 3 + 3 इज नथिंग बट 6। So these are addition of matrices. I hope you will understand. एकदम सिंपल है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिट ये कि for addition of matrices, which thing is important here? So for addition of matrices, which thing is important here? The order of the two matrices are the same one. And second thing is that बस first इतना ही है। Second में क्या है? दोनों का addition इस प्रकार से लेंगे अपन यहाँ पे। प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो, अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, ये समझ में आया सबसे एकदम सिंपल, एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर सेम रहा तो ये क्या होगी, एडिशन। जैसे आपको देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एडिशन कैसे होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, वो एलिमेंट अगर से वहां पे प्रेजेंट नहीं रहा तो ऐड होगा क्या उसमें, नहीं, एडिशन इज नॉट पॉसिबल इज देयर। इसलिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ये सबसे पहली और बेसिक थी। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या है देखो, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट हियर, दैट वन, कि अगर से ए बी सी, इफ देयर आर 3 मैट्रिसेस आर देयर, then first property is that, first property is that अगर से a b c यहाँ लिख देंगे अपन, if a comma b comma c are any three matrices, are any three matrices, are any three matrices comma then, comma then, comma then condition, first property इसमें थी, अगर से 3 matrices पहली property है कि a plus b is equal to b plus a, this one, second one is that a plus b plus c, it can be written as a plus b plus c is there, third one is nothing but it is a additive property, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a is there. So we come one by one thinking what is the meaning of that property and what is this? ये क्या कहता है अभी? वो देखेंगे। तो सबसे पहली property a plus b is equal to b plus a। ये property को अपन also it is also called as a commutative property। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे? कि अगर से समझो कोई matrix है, दो matrix a और b। तो अगर से कभी फॉर एग्जाम्पल अपन ए प्लस बी करें भी तो चलेगा, या फिर बी प्लस ए करेंगे तो भी चलेगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कैसा, नंबर होता था इससे पहले भी वाला है मगर नंबर में, मैट्रिक्स में नंबर में कैसा, समझो फॉर एग्जाम्पल अपने पास 3 नंबर है, 2 3 4, इसमें समझो मैंने पहले 2 नंबर का एडिशन करा तो अपन ने 2 + 3 लिखे क्या, या फिर अपन ने 3 + 2 लिखे क्या,
दोनों का आंसर क्या आने वाला है? 5। ये नंबर्स के भाषा में। अभी नंबर्स हटा के सिर्फ मैट्रिक्स ले लो, ए बी सी, ऐसे तीन मैट्रिक्स है, आर एनी थ्री मैट्रिक्स, इसमें से कोई भी दो मैट्रिक्स पकड़ो, तो अपन ने पहले ए प्लस बी निकाले क्या, या फिर अपन ने बी प्लस ए निकाले क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम है। एडिशन दोनों का क्या आने वाला है? सेम। तो ये पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट if you first find a plus b or whether we find b plus a, both have the same one, answer will be the same. Answer kya rahega? Same rahega. Ye pehli property iska naam important hai. Ye pehli property ka naam hai commutative properties there. Theek hai, ab dekho. Second property hai associative. Iska naam hai, second property ka naam hai associative property. Associative property. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले मैं नंबर बता रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बताया था मैंने कि दो तीन नंबर है अपने पास, दो तीन चार, तो अब ये इसमें एडिशन में समझो, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा कि दो को बाहर रख के पहले तीन प्लस चार के एडिशन, या फिर दो प्लस तीन करके प्लस चार एड करे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। देखो चार और तीन सात, सात और दो कितना? नौ। नाइन, तीन और दो पांच, पांच और चार कितना? नौ। नौ इज इक्वल टू क्या है? नौ। तो यही है प्रॉपर्टी, नंबर हटाओ और मैट्रिक्स लगाओ। नंबर हटा के अगर से तीन मैट्रिक्स लिया अपने ए बी सी, तो एडिशन का रूल क्या बोलता है? ये तीनों में से समझो, कभी तुमने तीनों के एडिशन ऐसा ले समझो, ए को बाहर रख के बी प्लस सी के एडिशन, मतलब क्या, पहले बी प्लस सी के एडिशन करें फिर ए में ऐड करें, या फिर पहले ए प्लस बी दोनों के एडिशन करें और उसमें सी मैट्रिक्स मिलाए, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। में देखो यहाँ पे, तो तीन मैट्रिक्स में कभी अपन ने पहले बी और सी के एडिशन करें और ए में ऐड करें क्या, या फिर दोनों सेम हो गए ना, या फिर ए प्लस बी करके प्लस सी बाहर रखे क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। ऐसा प्रॉपर्टी क्या होगी? पहले सेकंड थर्ड मैट्रिक्स के एडिशन, फिर उसके बाद ए में ऐड करेगा, या फिर पहले ए भी ऐड करके सी में ऐड करेगा, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द प्रॉपर्टी में क्या है? एकदम सिंपल है, ये तो सबको मालूम है, ए प्लस जीरो, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a। इससे पहले टाइम से बताया वाला है कि 0 ये 0 नहीं है, तो 0 यहाँ पे हीरो है, हीरो मतलब 0 is a matrix is there, और 0 matrix का order a पे डिपेंड रहेगा, जितना order a का रहेगा उतना order किसका रहेगा? 0 का रहेगा। तो सबको मालूम है a plus 0 is equal to 0 plus a, we got here a, so this 0 is called as a additive element in that one, so additive matrix in that one, है ना? ये तो मालूम है, नंबर में देखो ना, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 करेंगे आप, इसमें क्या मिलने वाला है अपने को? 2। इट इज सेड टू बी द एडिटिव प्रॉपर्टी इज देयर, एडिटिव प्रॉपर्टी। 0 ऐड होने के बाद मतलब कोई भी मैट्रिक्स में 0 ऐड करेगा, या फिर 0 में एक मैट्रिक्स ऐड करेगा, फिर से क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज इसके तालुक से एकदम सिंपल, वेरी सिंपल इज देयर। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने पहले दो बिट देखे, पहला बिट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पहले बिटे क्या पढ़े? इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड आल्सो द करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, दोनों के करस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमें देखिए कि अगर से कोई दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को अगर से ऐड करने का है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? सेम। ऑर्डर अगर से सेम रहा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की क्या होंगी? उसमें एडिशन होंगी, और अगर से ऑर्डर डिफरेंट रहा तो वी कैनॉट ऐड द मैट्रिसेस देयर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखे पहले एडिशन की, इसके नाम याद रखो, ये आगे भी यूज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब उल्टा करना, है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बोथ सेम वन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब तीन अगर से है मैट्रिसेस, पहले दो के ऐड करके तीसरे में ऐड करो, या फिर पहले दो के करके तीसरे में ऐड करो, सबका मीनिंग क्या है? एडिशन क्या आने वाला है? सेम आने वाला। और ये तो अपन बचपन से देख रहे हैं,
जीरो में कोई मैट्रिक्स ऐड करो या फिर मैट्रिक्स में कोई जीरो ऐड करो, अगेन आपको क्या मिल रहा है, वही मैट्रिक्स मिल रही है कैपिटल ए। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं क्योंकि जैसे एडिशन है वैसा सबट्रैक्शन है। फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका और आगे जाएंगे हम। तो नेक्स्ट बीट इज द सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन के बाद सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज देयर नेक्स्ट बीट। और नेक्स्ट बीट इज द सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस वही सेम कॉन्सेप्ट जो अपन देखने वाला है। तो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन के लिए वही ऑर्डर, वही सेम कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर से ऑर्डर सेम है तो वी कैन नॉट वी सबट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस हियर। वेरी सिंपल वन। सो सी नाउ व्हाट वी डन हियर फॉर सबट्रैक्शन। ओके, सो फॉर सब्सट्रैक्शन अगेन द ऑर्डर विल बी द सेम हियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू कैसे ऑर्डर इसमें 1, 2, 3, -4, 5, 6 एंड देन 7, 8, 9 ये एक मैट्रिक्स है। और दूसरे मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू सपोज देयर इज सेकंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू इट समथिंग लाइक टू बी -1, -2, -3, -4, -5, -6 and then -7, -4, -3 is there. So, सबसे पहले for subtracting these two matrices, the order of the two matrices are the same one. So, tell me what is the order of the first matrix? It is nothing but 3 by 3 is there. And what is the order of the second matrix? It is again 3 by 3. So, we can subtract these two matrices. A very simple one. A minus B. Which are लेगा? 1, 2, 3, -4, 5, 6, 7, 8, 9 minus second matrix nothing but -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -4, -3 is there. So we can subtract here. Very simple one. So with the all the participant here. So very simple one. CNO. So what we done here, very simple. We can we subtract these two matrices. Subtraction is very simple. How to subtract then? First one. पहले इसमें से minus करो. तो क्या मिलेगा देखो? 1 - -1 है ना? Direct करेंगे यहाँ पे. 1 - -1 + 1. 1 + 1 that is nothing but 2 is there. उसके बाद 2 -(-+2), 2 + 2 is nothing but 4 is there. Okay, देखो पहला 1 - -(-+1), 1 + 1, 2 is there. 2 - -(-2+2) is 4 is there. Then afterward 3 - -(-3+3) is nothing but 6 is there. Now -4 - -4 is nothing but -8 is there. Then 5 - -5 + 5 is nothing but 10 is there. Then afterwards 6 - 6 is nothing but 0 is there. Okay. Now then 7 - -7, 7 + 7, 14 is there. 8 - 4, 4 is there. And 9 - 9, 9 + 3 is nothing but 12 is there. So very simple one. And the important thing is that after subtracting, after subtraction of these two matrices, order of the matrix is same as this one. इसका भी order क्या रहेगा? Same 3 by 3 there. Addition भी वही रूल था कि दो matrix क्या अगर से same order के हैं, उनका addition लेने के बाद जो matrix आएगा, उनका order भी क्या रहेगा? Same रहेगा. उसी तरह से subtraction of matrices में भी जो दो matrix के subtraction हैं, उनका लेने के बाद subtraction लेने के बाद भी order क्या रहेगा? Same. It is nothing but 3 by 3 is there. So it is important in that one. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, सी नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन दैट वन इज द फॉर
addition or subtraction, the order of the two matrices are the same one. And then second thing is that after adding the matrices, the last matrix obtained have the same order as that this one. Yes, jo order A or B ka tha, after addition or subtraction, dono ke order kya aayega? Same. So this is the important one. This is nothing but subtraction of matrices is there. उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एक लास्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. नेक्स्ट वन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर इसमें लास्ट स्टेज में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करने का एखाद नंबर थे स्केलर मीन्स मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स बाय वन कॉन्स्टेंट. इसके एग्जाम्पल ही बताता है जैसे कि एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 माइनस 4, 5 एंड माइनस 2 इज देयर. तो यहाँ पे समझो अपन ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स के ए को अपन समझो कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें इसके लास्ट से समझो फॉर एग्जांपल अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिलेगा अपने को 3a इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 3 देन अफरवर्ड इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइड से 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 2 इज देयर. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 3a इज इक्वल टू इट बिकम्स हियर कितना मिलेगा 3, 6 देन आफ्टरवर्ड 9 देन माइनस 12 देन 15 एंड देन माइनस 6 इज देयर. 3 इज नथिंग बट समथिंग लाइक टू बी दिस वन इट इज ऑफ दिस टाइप. ओके सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस वन. तो ये इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पे स्केलर की प्रॉपर्टी क्या है अपन डिटरमिनेंट में देखने वाला है. डिटरमिनेंट में कोई एलिमेंट समझो फॉर एग्जांपल इट इज डिटरमिनेंट 1 माइनस 1 2 3 4 5 एंड देन 2 4 6 इज देयर एंड आउट ऑफ द डिटरमिनेंट 2 इज देयर. तो डिटरमिनेंट में कोई एलिमेंट 2 अगर से बाहर है तो डिटरमिनेंट में ये 2 सबके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ऐसी कंडीशन नहीं रहती है ना. तो अपन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3 टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 या फिर C1, C2, C3 में से कॉमन निकालने वाला ऐसा. मतलब पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट बाहर निकले वाला है ये डिटरमिनेंट में पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के लिए रहता. मगर यहाँ पे अगर से कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स के बाहर आ गया तो ये एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा. जैसे यहाँ पे अपने ये मैट्रिक्स ए है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैसा होगा 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = -12 3 × 5 = 15 3 × −2 is nothing but -6 is there. मतलब यहाँ पे क्या हुआ? We have to multiply each element of that scalar of that matrix. Matrix के हर element को scalar 3 से क्या हो गया? Multiplication हो गया. So after multiplication, you got this matrix, this one. तो यहाँ पे ये important है कि matrix multiplication क्या है इसका भी? Multiplication of matrix by a scalar. कि अगर से कोई मैट्रिक्स को स्केलर से या कहते नंबर से प्लस हो या फिर माइनस समझो इसको अपन से -1 से मल्टीप्लाई करें इसको दिस वन -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा ये -8 और इसके हर एलिमेंट क्या होंगे देखो -1 से मल्टीप्लाई होते हैं -1 ये -2 ये -3 ये 4 ये -5 और ये प्लस का 2 दिस वन. यहां पे एक्चुअल क्या हुआ कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ -1 तो हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस वन. So it is the last bit of theory, multiplication of matrix by a scalar is there. So हमने आज चार properties इसमें चार देखा algebra of matrix में. पहला है equality of matrices, दूसरा देखा अपन ने addition of matrices, तीसरा देखा अपन ने subtraction of matrices and fourth that is seen here a multiplication of matrix by a scalar. ये चौथी समझिएगा चौथी का मतलब क्या है? ये इसलिए बता रहा है यहाँ पे कि तो determinant में ऐसा नहीं था. डिटरमिनेंट में कोई नंबर अगर डिटरमिनेंट के बाहर है तो वो नंबर पर्टिकुलर एखादी रो या एखादी कॉलम के लिए रहता था. मगर यहाँ पे अगर से एखादा एलिमेंट बाहर है तो वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा. इस दोनों में इंपॉर्टेंस है दोनों में डिफरेंस है. तो अब इसके जो प्रॉब्लम का पार्ट है
हम प्रॉब्लम का पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। थ्योरी को अच्छे से देखो, इसका ऑफलाइन वीडियो भी इसके बाद भेजेंगे, उसके बाद थ्योरी का थ्योरी देख लो, फिर उसके बाद अपन प्रॉब्लम शुरू करेंगे। वेरी सिंपल, थैंक यू।